अस्सलाम वालेकुम। बात होने वाली है आज टॉप 11 सीक्रेट्स ऑफ व्हाट्सएप। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरह आप नंबर को सेव किए बगैर व्हाट्सएप पर मैसेज को सेंड कर सकते हैं। करना आपने क्या है, अपने मोबाइल के ब्राउज़र की सर्च बार में आपने टाइप करना है WA.ME, उसके बाद स्लैश, फिर अपना कंट्री कोड और आगे उस बंदे का जो भी नंबर है वो नंबर टाइप कर देना और सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर 1 या 2, और जिसमें आपने उस बंदे को सेंड करना है वो व्हाट्सएप को ओपन करके आप उस बंदे को मैसेज सेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन हुए बगैर आप किस तरह व्हाट्सएप पर मैसेज को सेंड कर सकते हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि हर एंड्रॉयड मोबाइल में मौजूद होती है, जिसको गूगल असिस्टेंट का नाम दिया जाता है। होम बटन को आपने प्रेस करना है 2 सेकंड के लिए। जैसे ही आप इसको 2 सेकंड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने बोलना है कि सेंड मैसेज उसामा भाई ऑन व्हाट्सएप। तो जैसे ही मैंने ये कोड इंटर किया, यहाँ पे आपने जो भी मैसेज उसको सेंड करना है वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है और उसको सेंड कर देना है। जब आप किसी का वॉइस मैसेज सुन रहे होते हैं तो सुनने के दौरान आपके उस मैसेज की राहदारी कुछ नहीं रहती, कुछ उसकी प्राइवेसी नहीं रहती। करना आपने क्या है कि जैसे ही आपको किसी बंदे का मैसेज आया, उसकी वॉइस आपने सुनना शुरू की और साथ ही उसको कान को लगा लिया। जैसे ही आपने उस मैसेज को कान को लगाया तो आपको वो इस तरह लगेगा कि जैसे आप किसी आदमी का फ़ोन सुन रहे हैं। इससे आपके मैसेज की मुकम्मल राहदारी मौजूद रहेगी। व्हाट्सएप पर अब आपने चैट ही इतनी ज़्यादा कर ली कि आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो गए और बहुत ज़्यादा आपकी GB जो है वो मैसेजेस ने घेर ली है। क्या आप उन तमाम को डिलीट करना चाहते हैं? अगर डिलीट करना चाहते हैं तो जिस बंदे की चैट को आपने डिलीट करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में आ जाना है। ये 3rd नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डाटा एंड स्टोरेज यूज, इस पर क्लिक करना है। ये 2nd नंबर पे और आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टोरेज यूज, यहाँ पे मेरी जो स्टोरेज यूज हुई है वो 0 KB है। यहाँ पे वो तमाम लोग आ जाएंगे जिन जिन से आपने चैट की है। फर्ज करेंगे जिसकी चैट को आपने डिलीट करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा फ्री अप स्पेस, इस पर आपने क्लिक करना है और आपकी जितनी भी होगी टेक्स्ट आपने डिलीट करना है, फ़ोटोज़ डिलीट करनी है, जो कुछ भी आपने डिलीट करना है वो यहाँ से आपने उसके डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपकी सारी जो चैट है वो डिलीट हो जाएगी। जब आप किसी का मैसेज पढ़ लें या पढ़ रहे हों तो उस बंदे को आपका ब्लू टिक शो हो जाता है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपका जो ब्लू टिक है वो ना शो हो और साथ साथ आपका जो लास्ट सीन है वो भी ना शो हो? करना आपने क्या है कि 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, डॉट्स पे क्लिक करें, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, अकाउंट पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पे क्लिक करना है और 1st नंबर पे आपको जो मिला है लास्ट सीन, इस पर आपने क्लिक करके नो बॉडी कर देना है और देन आपको जो ये मिला है रीड रिप्लाइज, इसको आपने कर देना है ऑफ। कि जैसे ही आप उस बंदे की चैट में जाएं और उसको देखें कि वो आखिरी टाइम किस वक्त ऑनलाइन हुआ था तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो कितने बजे ऑनलाइन हुआ था। क्या आप 3rd एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए बगैर अपने व्हाट्सएप के जितने भी मैसेजेस हैं उनके फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं, अब जिस बंदे को आपने मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट सेंड करने हैं सिंपली उसकी चैट में आने हैं। अब यहाँ पर आपने बार इंटर करनी है ये वाली जो आपको स्पेस के साथ मिल रही है, ये शायद अब इस बार को आपने प्रेस करना है, अपना मैसेज लिखना है और दोबारा फिर उसी को एंटर करना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फॉन्ट है ये तिरछा हो चुका है, इटैलिक जिसको आप बोलते हैं। ऊपर वाला देख लें और नीचे वाला देख लें, ये जो सबसे बॉटम पे है आपको ये तीनों में आपको फ़र्क जो है वो नज़र आ जाएगा। उसके बाद अब फॉन्ट नंबर 2 की बात कर लें तो दोबारा फिर आपने इंटर करना है स्टार, यहाँ पे अपना मैसेज इंटर करना है और दोबारा फिर स्टार आपने ऐड कर देना है और जो आपका टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। देन दोबारा आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है ये प्रेस करना है, अपना मैसेज टाइप करना है
और दोबारा फिर इसी को प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं कि जो भी आपने मैसेज लिखा है उसके दरमियान एक लाइन लग गई है, और ये आपके जो वो फॉन्ट हैं जो आपको व्हाट्सएप अपनी तरफ से अनाउंस कर रहा है। आई होप कि ये भी ट्रिक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के आपके कोई पैसे नहीं है, ना ही आपके कोई एक ऐसा लॉक जो व्हाट्सएप आपको खुद देता है कि आप जैसे ही उसको उंगली लगाएं तो आपका जो व्हाट्सएप है वो तब ओपन होगा। अब वो लॉक है कहाँ, उस लॉक को कहते क्या है? उस लॉक को व्हाट्सएप ने जो नाम दिया है वो फिंगरप्रिंट का दिया है। आपको मिलेगा कहाँ पे क्लिक करना है? सेटिंग्स पे क्लिक करना है, अकाउंट्स पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पे क्लिक करना है, और लास्ट पे आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट लॉक। फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक करना है, और ये जो है आपका लॉक है ये इस वक्त ऑन है। वो नीचे आपसे पूछ रहा है कि जो आपने लॉक लगाया है ये अल्टीमेटली, जैसे ही आप इसको ऑफ करें अल्टीमेटली लॉक लग जाए, एक मिनट के बाद लगे, 30 मिनट के बाद लगे। नीचे आपको वो पूछ रहा है कि शो कॉन्टैक्ट्स नोटिफिकेशन, कि जैसे ही आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आए तो लॉक के दौरान वो आपको शो हो या ना हो। अगर तो शो ना हो तो ऑफ रहने दें, अगर शो हो तो इसको ऑन कर दें। किसी दोस्त की मुकम्मल चैट आपने किसी दूसरे बंदे को सेंड करनी है, वो भी मेल के ज़रिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? करना आपने क्या है कि उस बंदे की आपने चैट को ओपन करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, मोर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, क्लिक करना है मोर पे, क्लिक एक्सपोर्ट चैट, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप कहाँ पे इसको शेयर करना चाह रहे हैं। ईमेल पे करना चाह रहे हैं कि जीमेल पे करना चाह रहे हैं, सेंड टू डिवाइस, जिस पे भी आपने सेंड करना है। अगर आपने ईमेल पे सेंड करना है तो ईमेल कर दें, अगर उसको जीमेल पे सेंड करना है तो आप उसको जीमेल भी कर सकते हैं। वो ख़ास मैसेज जो आप चाहते हैं कि जैसे अगले बंदे को सेंड हुआ और उस बंदे ने वो कब पढ़ा, कब नहीं पढ़ा, कब डिलीवर कब हुआ, ये आप तमाम इन्फॉर्मेशन चेक कैसे कर सकते हैं? जिस बंदे को आपने मैसेज सेंड किया है वहाँ पे जाना है, उसकी चैट को ओपन करना है, मैसेज को आपने एक बार प्रेस करना है, टैब 1 से 2 सेकंड करना है, ऊपर आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, 3 डॉट्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, देन आपको 2 आगे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इन्फो पे आपने क्लिक करना है, और आपको आगे डिलीवर भी मिल जाएगा कि कब डिलीवर हुआ था और कब उसने रिसीव किया, वो भी आपको मिल जाएगा। क्या आप भी अपने व्हाट्सएप में मज़े मज़े के स्टिकर्स को ऐड करना चाहते हैं? अगर आप भी अपने स्टिकर्स को ऐड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और आपको मैं बता देता हूँ कि आपने उस स्टिकर्स को किस तरह बनाना है। इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पे वो बोल रहा है क्रिएट अ न्यू स्टिकर, स्टिकर नेम दे लें आप, स्टिकर नेम, यहाँ पे आप करते हैं क्रिएट प्लस के आइकन पे इसको, प्लस के आइकन पर क्लिक किया, ओपन गैलरी, अलाउ एल्बम, यहाँ से इस पिक्चर को करते हैं क्लिक, और स्मार्ट सेलेक्ट, और ये आपकी जो स्टिकर है वो तैयार हो चुकी है, सेव स्टिकर। अब इसको ऐड किस तरह करना है अपने व्हाट्सएप में, ऐड टू व्हाट्सएप, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, अब यहाँ पे इसको ऐड कर दें। इस तरह आप जितने भी स्टिकर्स ऐड करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 स्टिकर्स अपने ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आप। अब जो लास्ट पे हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि आपको कोई अननोन बंदा ग्रुप में ऐड ना करे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई दूसरा बंदा किसी अपने ग्रुप में ऐड ना करें तो करना आपने क्या है कि 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, देन सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी में जाना है, पे क्लिक करना है, अकाउंट्स पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पे क्लिक करना है, और ये आपको जो ऑप्शन मिल रहा है ग्रुप्स का, ग्रुप्स पे आपने क्लिक करना है, और देन आपको जो 3rd नंबर पर ऑप्शन मिल रहा है माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्टेड, इस पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं ये आपको अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।